व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आशीष ठाकुर फ्रॉम मिशन नेचुरल फिटनेस। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज हम एक बढ़िया वाला वीडियो कवर करने जा रहे हैं प्रोटीन से रिलेटेड। जो हाल ही में मैंने लास्ट नाइट एक एक फिटनेस यूट्यूबर है हमारे रॉयल शक्ति फिटनेस, जिनका मैंने वीडियो देखा और वो ये जानते हैं आप सभी। सो गाइस, इन्होंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया था होममेड प्रोटीन के ऊपर, तो मैं वही वीडियो आज कवर करूँगा, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। पर उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले। उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक वो वीडियो पहले पहुंच जाए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें ताकि वहां पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो गाइज, आज हम बात करेंगे होममेड प्रोटीन के ऊपर, जो हमारे रॉयल शक्ति फिटनेस ने हाल ही में लास्ट नाइट शायद अपलोड किया था, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। गाइस, ये जो होममेड प्रोटीन होता है, ये मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाते हुए। तो गाइस, होता क्या है ये रॉ प्रोटीन? मैं आपको एक बात बोल दूँ, रॉ प्रोटीन भी उन लोगों को ही सूट होता है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, जो वाटर अच्छे से कंज्यूम करता हो, यानी कि उसका कंजप्शन, उसका वाटर कंजप्शन, उसका पानी का जो कंजप्शन है वो पर डे 5 से 7 लीटर तक का होना चाहिए, तभी जा कर के ये प्रोटीन, होममेड प्रोटीन आपको, ये जो मिक्सचर इन्होंने बताया है, ये रहा, ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये मिक्सचर तभी ही जाके आपको सूट होगा, क्योंकि आपका 15 से 20 ग्राम तक का प्रोटीन कवर करता है दिन भर का। मेरे ख्याल से 15 से 20 ग्राम का प्रोटीन आपको किसी भी पनीर, टोफू या सोया चंक, ब्राउन राइस से मिल जाता, उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये आप, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये रॉ प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि ये ऐसा एक प्रोटीन होता है जो कि उन लोगों को सूट करता है जो मतलब जिनका वीक डाइजेस्टम, मतलब जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक ना, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और जो अच्छे तरह से पानी को कंज्यूम करते हो पर डे 5 से 7 लीटर। उसके अलावा गाइस, होता क्या है कि हर इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से बनती है। हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और अगर इस बीच हम ये 30 ग्राम का स्कूप जो ये अभी बताया है, वापस फ़ोटो देख लो आप, ये ले रहे हैं जो रॉयल शक्ति फिटनेस जी ने बताया है, तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपकी सेटिंग जॉब है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, अगर आपकी वर्किंग जॉब है, आप फील्ड वर्क करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, तो फिर भी ये एक तरह से बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा चलेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा जल्दी से। गाइज, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो पूरी डॉक्टराइट लैंग्वेज में देता हूँ, साइंटिफिक वे में देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जब हम ये होममेड प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, एक प्रोटीन होता है वैसा प्रोटीन जो हम डेली पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, पर ये महाशय हमारे ये कह रहे हैं कि आप इसे अपने पोस्ट वर्कआउट में यूज़ लें। गाइस, पोस्ट वर्कआउट में अगर आप ये मिक्सचर आप यूज़ लेते हैं, मे बी आपका स्टोमक पेन हो सकता है, आप ब्लॉटेड फील कर सकते हैं, होता है इसमें भी प्रोटीन ही है, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, बट ये मिक्स प्रोटीन हो जाएगा आपका, जिसमें आपके काले चने आ जाएंगे, आपके जिन्होंने जो हमारे रॉयल शक्ति फिटनेस में बनाया, काले चने, मूंगफली और सोयाबीन के बीज, तो ये सब आपको थोड़ा सा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर सकते हैं, ये जल्दी से आपके पाचन क्रिया को वर्क नहीं करेंगे, आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे आपको जल्दी से, आप ब्लॉटेड फील करेंगे। ये सोचते हैं मैं शाम को वर्कआउट करूँगा और दिन भर में एक स्कूप ले लेता हूँ मैं, तो मेक श्योर आपने वो स्कूप 2 से 3 घंटे के पहले लिया हो, यानी कि वर्कआउट से 2 से 3 घंटे पहले लिया हो, तब तो जाकर के आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू फील अ ब्लॉटेड फील करोगे आप बहुत ज़्यादा। सो गाइज, प्लीज़ अगर आप ये इन्फॉर्मेशन, मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, सो प्लीज़ पूरा देखना इस वीडियो को, और हो सके जितना इस होममेड प्रोटीन से बचना, क्योंकि ना मैं ये हूँ। सो गाइज, फ़ोटो देख ली, अब मैं नाम नहीं बोलूँगा। तो गाइज, इसमें ये होगा कि मैं ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ कि आप होममेड प्रोटीन बना लो सिर्फ एक कुछ व्यूज़ पाने के लिए, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो सही में आप लोगों के लिए है, एक बिगिनर्स के लिए और एक इंटरमीडिएट के लिए। सो गाइस, प्लीज़ इस होममेड प्रोटीन को भी आप उस टाइम कंज्यूम कर सकते हैं जब आपका पर डे आपका वाटर कंजप्शन 5 से 7 लीटर है,
अदरवाइज़ ये आपकी हार्म हो जाएगा, आपकी को स्टमक पेन हो सकता है। यानी कि अगर आप बादाम को भी अगर ओवर लिमिट में खाएंगे तो वो भी साइड इफ़ेक्ट करेगी। और ये तो आप डायरेक्ट 30 ग्राम का स्कूप मिक्सचर के रूप में ले रहे हैं, मूंगफली, काले चने, यू नो सब, जिसमें आपको सोयाबीन के बीज। सोचिए अगर आप फीलिंग ब्लॉटेड हो जाएंगे, ब्लॉटेड फील करेंगे, या फिर आपका यू नो डाइजेशन सिस्टम को वीक हो जाएगा, तब भी तो आपको टैबलेट्स खानी पड़ेगी। सो प्लीज़ गाइस, इस इंफॉर्मेशन से बचे जो दी जा रही है आपको, ये फेक इन्फॉर्मेशन है। ये प्रोटीन्स, इससे अच्छा ये होगा कि आप इन सब चीज़ों को पानी में भिगो करके और बिना मिक्स करे हुए खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो मिक्सचर नहीं होगा। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो रात में भिगो और सुबह उसको खाइए, वो प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होगा, उसमें आपको कुछ हार्म नहीं होगा। चाहे आप काले चने हैं तो उसे उसकी रूट निकल जाए, उसके बाद आप उसे खाइए दो दिन बाद। सो गाइस, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ इट्स टोटली वेस्ट अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे इन्होंने बताया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और टेस्ट बदल दो अपना यार, अब तो बदल दो। सो दैट्स इट गाइज, एंड मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो। जैसा भी आपका कोई सा भी कॉमेंट हो, देन प्लीज़ कॉमेंट बिलो। दैट्स इट गाइज, दिस इज़ आशीष ठाकुर फ्रॉम मिशन नेचुरल फिटनेस, साइन आउट।